अच्छा, तो प्रदर्शन करना शिक्षकों को अपना अधिकार है, उसमें हमें क्या कहनी है। लेकिन जो शिक्षक नियमावली बनी है वो राजहित में है, इसमें चिंता नहीं करनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दिया गया कि 11 तारीख को सभी शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। यही सवाल किया गया बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है वो राजहित में है। अगर इस तरह के शिक्षक संघ कर रहे हैं जो सरासर गलत है, पहले क्या कुछ कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, पहले सुनिए उनकी बातों को। अच्छा, तो प्रदर्शन करना शिक्षकों को अपना अधिकार है, उसमें हमें क्या कहनी है। लेकिन जो शिक्षक नियमावली बनी है वो राजहित में है, इसमें चिंता नहीं करनी। आप एक परीक्षा तो पास करनी है, शिक्षकों को वही परीक्षा देनी है जिसको वो पढ़ाते हैं, इसमें चिंता किस बात की। नहीं करें कि जितने भी तमाम शिक्षक आएंगे, जो टीचर आएंगे, वो तमाम अपने मंत्री और विधायक के आवास पर रुके और वहाँ पे भी प्रेशर दे। रुकने से कोई किसी को मना करता है? सवाल है कि जो शिक्षक नियमावली आई है राजहित में है, बिहार अपनी विरासत को पाने के लिए चाहता है, बिहार अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा विरासत रहा है, ज्ञान की भूमि बिहार, फिर से ज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इमेज बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एकता की जो बैठक हुई थी उससे अरविंद केजरीवाल नाराज दिखे और वो पीसी में भी नहीं आए। वो तो आपको दिख रहा है ना, जो अध्यादेश का मामला है उस मामले में उनका सवाल था, महागठबंधन उस पर विचार करेगी। अध्यादेश देश हित में है, समाज हित में है, दिल्ली के आवाम के हित में है। विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है कि लालू प्रसाद यादव भूल गए, बीजेपी ने ही पिंजड़े में बंद किया था, कैसे इस बयान को देख रहे हैं? अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं विजय सिन्हा जी? विनय सिन्हा जी की ऊंचाई है लालू जी पर बात करने की? जो शुद्ध रूप से राजनीति का कटोरा लेके चल रहे हैं वो लालू यादव जैसे महारथी सामाजिक न्याय के योद्धा पर कोई बयान दे या उचित नहीं है या उनको छजता नहीं। क्या विपक्ष की जो बैठक होगी अगली बैठक में अरविंद केजरीवाल आएंगे? फिर सारे लोग आएंगे, आप लोग देखते रहिएगा। बीजेपी वाले घबराहट में हैं, उनके पांव से जमीन खिसक गई, कर्नाटक गया है, देश जाएगा उसके हाथ। कि जिस तरीके से राहुल गांधी की दादी ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजवाया था और नीतीश कुमार को जेल भेजवाया था, तो आपने सूचना प्रोफेसर चंद्रशेखर जिस तरह से जो नई शिक्षक नियमावली को लेकर जो शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया उस पर जवाब दे रहे हैं कि जो शिक्षक संघ के द्वारा किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और वहीं बात करें तो जो सवाल किया गया उनसे ये भी कि विजय सिन्हा कर रहे हैं कि भूल गए हैं कि किस तरह से बीजेपी वाले उनको पिंजरा में डाला, तो उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इतने बड़े नेता पर इस तरह की बात बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। इस तमाम खबरों को बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।